वर्तमान में चल रहा मौसम किसानों के लिए बेहद खास होता है। इसमें किसान अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। इस समय गेहूं, चने, सरसों, अरहर, मंसूर जैसी तमाम फसलों की कटाई चल रही है। इसके बाद थ्रेसिंग दौरी के दौरान ज्यादा मात्रा में इसके डंठल, खरपतवार और भूसा निकलते हैं, जिसे अक्सर जानकारी न होने के कारण कहीं फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है। ऐसे में यह सभी जैविक खाद बनाने के अच्छे साधन बन सकते हैं, जिससे किसान अतिरिक्त बंपर कमाई कर सकता है। उक्त बातों पर जानकारी दे रहे हैं मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विभाग के HOD प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। आइए जानते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा समय है, जब गेहूं की कटाई चल रही है, चने की कटाई चल रही है, सरसों, अरहर, मसूर, धनिया, ये सभी फसलें जो रबी में बोई गई थी अब वो कटाई की स्थिति में है, कट भी रही हैं। किसी किसी की दवाई या थ्रेसिंग हो रहा है, तो थ्रेसिंग और दवाई के बाद बहुत सारा मात्रा में भूसा निकलता है, खूंटी निकलती है, उनके डंठल निकलते हैं, जो अक्सर कहीं ना कहीं फेंक दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं या उसको अनुपयोगी समझ करके छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ये सभी हमारे लिए जैविक खाद बनाने के बहुत अच्छे साधन हैं। बस करना क्या है कि जो किसान भाई अपने लिए जैविक खाद बनाना चाह रहे हों, या तो वो सीमेंट और ईंटे की मदद से टंकियां बना लें, या टंकी नहीं बनाना चाह रहे हैं तो प्लास्टिक के लंबे लंबे टंकी बना सकते हैं, प्लास्टिक के जो सीट हैं उनके माध्यम से, या बांस के खपाचियों का भी बना सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ज़मीन पे सीधे खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए उनको करना क्या होगा कि मिट्टी और ये जो हमारे भूसे हैं ये, और गोबर, और अगर ज़्यादा सक्रिय हैं तो कुछ जो है फास्फेट सल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया के कल्चर मिल जाते हैं कृषि सेवा केंद्रों पे, Azotobacter का कल्चर मिल जाता है सेवा केंद्रों पे, रात फास्फेट मिल जाता है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे स्थिति में अगर कहीं हवन होता है, पूजा पाठ होता है, तो वहाँ की राख भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कम से कम गोबर में कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, जो हमारे पास फसल के अवशेष हैं, मतलब गेहूं का भूसा, चने का भूसा, अरहर का टट्ठर, छोटे छोटे टुकड़ों में जिनको काटा है, उनको जमीन पर फैला दें और इस तरह से फैलाएं कि उनकी ऊंचाई लगभग 8 इंच हो जाए, 8 इंच मोटाई हो जाए। इसके बाद उसको क्या करें कि गोबर और पानी का घोल, मतलब कि एक बाल्टी पानी में आप लगभग आधा किलो, 1 किलो गोबर डालें और घोल बना लें और उसको पूरे डंठल पर ऐसे चारों तरफ छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद उस पर मिट्टी की लगभग, ज़्यादा मोटी नहीं, लगभग 2.5 इंच, 2 इंच नहीं, 2.5 इंच मोटी एक तह मिट्टी का फैला दें। तह फैलाने के बाद फिर पानी और गोबर का घोल का छिड़काव कर दें और भरने के बाद मिट्टी और गोबर से पूरा लेप लगा दें और लेप लगा करके उसको छोड़ दें। धीरे धीरे देखेंगे कि उसके ऊपरी हिस्से पर दरारें बनना शुरू हो जाती हैं। जब दरारें बनना शुरू हो जाएँ तो लकड़ी से, पतले लकड़ी के डंडे से उसमें जगह जगह छेद कर दें, बीच बीच में पानी से छिड़काव करते रहें। इस तरह से 70 से 90 दिन के बीच में सड़ करके खाद तैयार हो जाएगी। और टंकी का साइज जो हमने बताया कि 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा और 4 मीटर लंबा है, तो इससे अगर सारी सामग्री आपकी बढ़िया ढंग से वजन करके डाली गई है, उसमें भराई की गई है, तो लगभग 30 क्विंटल जैविक खाद तैयार हो जाएगा। ये तैयार जैविक खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। इतना ही नहीं, आप आगे जुलाई से आगे जो भी फसल बोना चाहेंगे उस फसल में ये जैविक खाद प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बनाने का खर्चा इसका प्रति किलो 1 से 1.5 रुपये पड़ता है। यहीं बाज़ार में जब किसान भाई खरीदने जाते हैं तो 400 से 500 रुपये का जैविक खाद के नाम से 40-50 किलो की बोरी मिलती है। के बचे हुए फसलों के अवशेष से बहुत अच्छा कंपोस्ट तैयार हो सकता है, चाहे तो अपने खेत में इस्तेमाल करें या उसको पाउडर बना करके, चाहे तो मार्केट में आप उसकी सप्लाई करके अच्छा पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।